हेलो गाइस, दिस इज मियामान एंड यू आर वाचिंग एकेजे नेटवर्क। अगर आप लोग वीडियो क्रिएटर हैं तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। आजकल वीडियो मेकिंग का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी एक नॉर्मल दिखने वाली वीडियो जो कि आप नॉर्मल बैकग्राउंड से शूट करते हैं वो कुछ इस तरह हो जाए, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू गाइज। ये जो बैकग्राउंड आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा की। ये मैंने दराज से परचेज की थी। इसका एक्चुअल साइज 8x5 है और इसकी क्वालिटी इन दिस प्राइस ब्रैकेट ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को नीड है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसी ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे पीछे कोई भी वॉलपेपर HD में हो या कोई सी भी क्वालिटी का वो कैसे सेट कर सकते हैं और पीछे आप वीडियो भी प्लेबैक कर सकते हैं। मेन लाइट वगैरह आपने प्लेस करने के बाद ट्राईपॉड पे आपने सेल फोन हो गया, आपका DSLR हो गया, आपने ऐसे प्लेस करने हैं। ग्रीन स्क्रीन के जो बॉर्डर्स हैं वो आपके फ्रेम से आउट नहीं होने चाहिए, टॉप से भी और बॉटम से भी जो है एकदम सेंटर में होने चाहिए ताकि एडिट करते हुए आपको कोई इशू ना फेस हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो है शेडो आ रहा है। अगर आप लोग फ्रंट से शॉट लेते हैं तो ये जो है शेडो नहीं नजर आएगा। अगर फ्रंट से आप लोग शॉट ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पीछे शेडो नहीं आएगा। अगर शेडो आता है तो एटलीस्ट 3 फीट का जो है फासला रखें अपने बैकड्रॉप से। अगर आप लोग साइड से ले रहे हैं शॉट, साइड पे आप लोग जो है मेन लाइट भी दे सकते हैं कि आपका जो शेडो है विजिबल ना हो। मैंने बिल्कुल कैमरा के पीछे जो है अपनी मेन लाइट लगाई हुई जो कि मुझे पे फोकस कर रही है, मुझे लाइट दे रही है। इसको आप थोड़ा करीब भी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो है वीडियोग्राफर्स जो है वो थोड़ा टॉप पे देते हैं और जो है बिल्कुल आपके फेस पे नहीं पड़नी चाहिए लाइट, क्योंकि उससे बहुत ब्राइट आएगा और कुछ आप लोग अगर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कुछ भी चीज़ इस तरह दिखा रहे हैं तो वो विजिबल नहीं होगी। ये तो हो गए कुछ बेसिक सेटिंग्स। अब इसको एडिट कैसे करेंगे Adobe Premiere Pro में कि हमारा जो है बैकग्राउंड जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाए या फिर विजिबल पिक्चर में कन्वर्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरे पीछे ये ग्रीन बैकड्रॉप है, आप लोग जो है क्रोमा शेड भी ले सकते हैं या मैट ग्रीन पेंट भी करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। वीडियो जो है मैंने डेमो के लिए डाली हुई है। CS6 यूज कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, डेमो फाइल, क्रोमा की लिख देते हैं ताकि याद रहे। ये मेरे पास 2015 वाला सॉफ्टवेयर है और इसमें भी ये आप लोग कर सकते हैं। चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो की थी ये ग्रीन बैकग्राउंड में। और अगर आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग वॉलपेपर वगैरह डालना चाह रहे हैं तो ये एक वेबसाइट है freepic.com, उधर से आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप, मैंने इधर सर्च किया हुआ बैकग्राउंड सर्च किए HD क्वालिटी में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पे जाना है आपने फ्री वाले, एक लाइसेंस वाला है और एक फ्री वाला है। ये हमने पिक्चर ड्रैग की, अपने इस बॉक्स में डाल दी, इंपोर्ट हो गई। अच्छा, ये जो है इसको आप जो है जो बैकग्राउंड आप डालेंगे ना वो डालेंगे वीडियो मेन आपकी जो वीडियो है उसके नीचे डालेंगे। तो उसको मैंने वीडियो 2 पे कर दी और जो मुझे पिक्चर डाली है वो मैंने वीडियो 1 पे कर दी, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग कर दें, पूरा कर दें, जितनी वीडियो चलानी है उतना कर दें बेशक। इसको मैं थोड़ा हाफ कर लेता हूं क्योंकि हाफ में ये करके और हाफ में वीडियो डाल के मैं आप लोग को बताऊंगा। और ये हमने दूसरी पिक्चर इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, पहली वीडियो डाल देते हैं, इसको क्रॉप कर लेंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप। ये इम्पोर्ट हो जाए ये वाला इधर और ये हमारा आ जाएगा इधर, ठीक है। ये हमारी मेन वीडियो है, वीडियो 2 पे जो हमने सेट कर दी। इसको सेलेक्ट करेंगे मेन वीडियो जो आपकी क्रोमा की पे शूट हुई है। इफेक्ट्स पे जाएंगे, इधर हम सर्च करेंगे अल्ट्रा की। अल्ट्रा की आगे हमारे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में, इसको ड्रैग करेंगे हम वीडियो 2 जो हमारी मेन वीडियो है जो कि जिसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। ये सोर्स है इफेक्ट कंट्रोल्स, इसमें आगे हमारे पास दूसरे ऑप्शंस। की कलर पे जाएंगे, की कलर के साथ जो है ये पिकर है, कलर पिकर, इस पे सेलेक्ट करेंगे हम और हमने जो चेंज करना है ये वाला, तो उस पे जाके हम क्लिक करेंगे अपना लेफ्ट, तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया ये और इसको ये वाला वॉलपेपर। अच्छा, इसमें जो है इफेक्ट्स में अगर हम आते हैं अपना ये वीडियो 2 सेलेक्ट करके, इसमें आप लोग सेटिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग वगैरह देनी है और
जो है इसके बॉर्डर्स वगैरह नीट एंड क्लीन करने हैं, एजेस इसके अगर करने हैं तो ये हमने चोक ऑन कर दिया, ये सॉफ्ट एंड कर सकते हैं थोड़ी, आप लोग अपनी फुटेज के हिसाब से कर सकते हैं, इसके कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ये मिड पॉइंट वगैरह जो एजेस को भी जो है शार्पन कर देता है। सही है, जो मिड पॉइंट वगैरह है इधर से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसके जो बॉर्डर्स वगैरह एजेस हैं मेरे जो इसके बॉडी के, ये बिल्कुल जो है चेंज हो रहे हैं, और इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं एजेस वगैरह, और ये कम भी हो रहे हैं, तो ये आप लोग अकॉर्डिंग टू द फुटेज जो है इसको चेक कर सकते हैं, क्लैरिटी हो आप लोगों की वीडियो में। सो दिस इज़ द कूल वे टू ऐड अ बैकग्राउंड एंड वीडियो बैकग्राउंड। तो अब देखें हमारी जो है ये बिल्कुल क्लियर वीडियो भी चल रही है बैकग्राउंड में, और हमारी जो है पिक्चर भी चल रही है, तो काफ़ी इजी स्टेप है, आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सेव कर लें, अगर आप लोगों को ये स्टेप्स अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक कर दो और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनको काफ़ी काम आने वाली है वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी ज़रूर ये कोशिश होती है कि मैं अपनी किसी भी वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ पॉजिटिव सिखा सकूं तो वो ज़रूर सिखाऊं, तो इसलिए मुझे आप इंस्टाग्राम AK जनरेटर पे ऊपर लिंक आ रहा है उस पर, और मुझे फॉलो कर दो मज़ीद इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.